हेलो स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में माफी चाहता हूँ कि बताया कि थोड़ा सा गेप हो गया है ठीक है तो ठीक है थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से और तो, डिले हुआ है थोड़ा सा कोई बात नहीं वापस से शुरू करेंगे हम और आई होप कि आपका टाइम अच्छा रहा होगा ये जो भी गेप हुआ है उस दौरान आपने प्रैक्टिस की होगी जो भी सीख रहे थे वो और जल्दी था, मैं थोड़ा सा आगे कर रहा हूं। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेंडर के बारे में मुझे लगता है अभी थोड़ा सा नॉलेज देना चाहिए रेंडर के लिए अब तक हमने जितना भी वर्क है उतने में आ, कोई भी अगर स्टार्टिंग से भी सीखता है ना तो वो क्या है ना कि एक जगह पे पहुंच चुका है तो उसको अब जरूरत होगी कि अपने वर्क को रेंडर के थ्रू दिखा सके अच्छे से तो एक बेसिक नॉलेज वाला एक वीडियो बना रहा हूं मैं ये वाला रेंडर के ऊपर जितना मुझसे हो सकता है वीडियो बनाते टाइम जितना मुझे याद आता है उतना मैं आपको नॉलेज दूंगा कि क्या क्या किस तरह से कर सकते हो क्या क्या चेंज कर सकते हैं कैसे न्यू स्टाइल बना सकते हैं आप अपनी खुद की अच्छे से रेंडर बना सकते हैं आप चाहो तो रेंडर की नई नई स्टाइल को बना के आप उसको भी पैसे पे, से बेच सकते हो लाइक अपनी एक अच्छे से एक स्टाइल बना लो रेंडर की आ, गोल्ड अपना लो डायमंड अपना खुद का बनाओ लाइक और जो भी उसके एनवाइ जो होते हैं वो भी आप खुद नए नए एक्सपेरिमेंट करो इस ऐसी ये, ये बात नहीं है कि दो से तीन दिन में हो जाएगा या एक वीक में हो जाएगा हो भी सकता है लेकिन इसमें मेरे हिसाब से निकाल तो, महीने, महीने के, साथ 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 के आप वो चीज कर सकते हो तो एक बुक लेनी है आपको उसमें लिखते रहना है कि क्या क्या मेजरमेंट आप लिख रहे हैं और कौन सा आ, हमें पसंद आ रहा है जिसमें अच्छा आउटपुट बन के निकल रहा है रेंडर का तो ये सब जो भी छोटे छोटे डिटेल्स वाली बातें हैं वो सब इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेंडर के बारे में पूरा स्टार्टिंग से जानेंगे ये हो जाने के बाद हम इसके और भी पार्ट लाऊंगा मैं एडवांस में ऐसे सब कुछ और जो वीडियो रेंडर है उसका भी मैं पार्ट लाऊंगा जरूर तो ठीक है पार्ट स्टार्ट करते हैं वापस से माफी चाहता हूँ कि आपको जो ये गेप हुआ है चैनल में मुश्किल हुई थोड़ी सी जो भी स्टार्टिंग से सीख रहा होगा मेरी चैनल से उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन क्या कर सकता है थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से और दूसरी बात की यार आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखा दो यार ठीक है अब उसमें मैं और तो क्या ही बोलूँ आपको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और चैनल को आगे शेयर जरूर करो जिसको सीखने की जरूरत है और आप शेयर करो यार आपके तो ग्रुप भी हो सकते हैं जो भी अभी मिडिल तक पहुंच गए होंगे उसके ज्वेलरी का ग्रुप होगा या ग्रुप में शेयर करो कर सकते हो आप या पोस्ट लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो तो इस तरह से आप आगे आगे शेयर करिए ठीक है उनसे क्या होगा कि लोगों में जाएंगी और जो भी अब जो भी पार्ट आने वाले है ना वो आ, अच्छे वाले पार्ट आने वाले लाइक ट्यूबन चेन है लोक है वगैरह वगैरह बहुत सारा कुछ है तो वो सब चीज क्या है कि ज्यादा लोग होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचा पाऊंगा तो यही चीज है ठीक है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आगे, आगे शेयर करिए चैनल को भाई ठीक है तो मैं वीडियो स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात नहीं करते ओके तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैंने करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आप अगर सोच रहे हो कि स्मूथ इतना क्यों है तो इसको मैंने जेडबर्स के अंदर स्मूथ किया है जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो उसमें मैंने आ, स्पेशल उसके लिए टॉपिक वो नहीं है कि स्मूथ कैसे किया जाए उसके ऊपर अगर आप चाहो कमेंट करें करना आप लोग तो अगर आप चाहते हो ज़्यादा कमेंट होती है उसके बारे में तो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से फाइल को स्मूथ करते जेड ब्रश के अंदर तो ये बेसिकली एक फाइल है हमारे पास तो पहला जो स्टेप है रेंडर करने के लिए वो मुझे जहाँ तक पता है अगर आपका राइट एंगल है स्क्वेयर नहीं है पूरा स्क्वेयर नहीं है अगर आपका मोनिटर तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर इसको मेट्रिक्स को छोटा करना है लाइक like इस तरह से और ये जो रेंडर का है इसको यहाँ बाहर रखना है इसमें क्या करना है फोर व्यू करने है और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से सेट करना है लाइक कुछ इस तरह से जैसे इसको किस तरह से करता हूँ मेरे पास क्या इसका आ, व, 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 मार्क है जैसे मैं ये दोनों टूल बार यूज़ कर रहा हूँ अगर आप भी ये कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इसके साथ रखना है स्टेट और यहाँ पे ये ब्लू के साथ तो इस तरह से मैं करता हूँ परसपेक्टिव व्यू में रखता हूँ यहाँ पे रेंडर के लिए आपको हमेशा ये क्या कहते हैं ग्रिल्ड को यहाँ से हटा देते हैं निकाल लेते हैं ओके तो आपको हमेशा परस्पेक्टिव व्यू में रेंडर करना है चाहे आप इसमें टॉप व्यू करना है तो कुछ इस तरह से कर लो राइट right, कुछ ऐसे कर लो फ्रंट कुछ ऐसे कर लो बैक कुछ ऐसे कर लो लेकिन परस्पेक्टिव व्यू ही आपको रखना है तो जैसे कि एक हम थ्री व्यू रखते कुछ लाइक like, इस तरह से इसको क्या करते हैं ग्रुप करके इस तरह से जॉइंट करके रखना है ओके okay? अब हम यहाँ पे रेंडर किस तरह से कर सकते देखो यहाँ पे डिफॉल्ट आप सबके मैट्रिक्स में क्लासिक स्टाइल होगी यहाँ पे तो ये होती है स्टाइल देखो यहाँ से रेंडर होता है आ, ये फोर व्यू के लिए लेकिन इसके बारे में अभी हम नहीं देखते ये रेंडर होता है यहाँ से आप नीचे पेज रख सकते हैं रिंग के नीचे लाइक इस तरह से ये वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा इनसे ये है साइज़ तो मैं पेज की साइज रख रहा हूँ बारह सौ बाई बारह तो ये आपको यहाँ पे अंदर कहीं पे नहीं मिले तो आप मैन्यूली लिख सकते हो यहाँ पे डबल क्लिक करके जैसे मैं लिख रहा हूँ बारह सौ बाई बारह सौ करने के लिए क्या करना है आपको एक्स को प्रेस करना है ध्यान रहे कि कैपिटल में एक्स ना हो जाए तो कई बार अगर आप ये करते हो रेंडर नहीं होता है तो आपको समझना है कि देखना है चेक करना है कि एक्स कैपिटल तो नहीं है ऐसे तो स्मॉल एक्स यहाँ पे टाइप करना है जिसको हम कहते हैं बाई बारह सौ बाई बारह सौ इस तरह से कुछ ओके ये साइज़ हो गई मेन्यूअल कर आपको करना है अब हम देखते हैं कि ये यह, यहाँ पे ये यह है गोल्ड देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं आप चाहो तो ये यह यहाँ पे मेजरमेंट इसके बारे में हम आगे देखते ये है गोल्ड ये है डायमंड और ये सब पी है लाइक ये अभी तो इसका कोई यूज़ नहीं है जो एडवांस पार्ट में हम सीखेंगे इसके बारे में ये है पेज जो ये हमने सिलेक्ट किया वो इसको अप्लाई करना है ये पेज है तो इसी तरह से यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हो कि मटेरियल अलग अलग यहाँ पे है सब कुछ तो एडवांस में सब सीखते जाएंगे अभी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो ज़्यादातर यूज़ होती है वो हम देखते हैं ओके यहाँ पे मैं एक बार आपको रेंडर करके दिखाता हूँ उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या चीज़ होती है वो देखो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं लेयर राइट क्लिक करना है लेयर के ऊपर यहाँ पे मैं आ, वाइट हम देते हैं यहाँ पे ओके वाइट गोल्ड डायमंड को सिलेक्ट करना है डायमंड में जाना है ये है हमारा डायमंड ये ओके ये डायमंड हमने कर दिया पेज को सिलेक्ट करना है पेज में जाना है और यहाँ पर नॉर्मली कौन सा करना है कि यहाँ पे आपको नीचे जाना है और आ, कोई भी आप कर सकते हो जैसे मैं पीएनजी में करता हूँ ठीक है इमेज को पीएनजी में सेव करता हूँ तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड क्योंकि पीएनजी में वो बैकग्राउंड आने नहीं वाला है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वाइट रिफ्लेक्शन सॉफ्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं ओके वाइट रिफ्लेक्शन ये हो गया सब मटेरियल ठीक है आई होप आप समझ रहे हो गे okay. अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ये है मेटल ये है स्टाइल इसको बोलते स्टाइल देखो यहाँ पे सब इस तरह से चेंज होती है यह स्टाइल क्लासिक वो हम अपने हिसाब से भी बना सकते हैं अभी मैं आपको बेसिक सिर्फ बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ रेंडर के बारे में यह स्टाइल यह गोल्ड जो भी मेटल का होता है वो सब ब्लैक गोल्ड बहुत सारे होते हैं यह डायमंड है बैकग्राउंड ठीक है पीछे का ये तीन चीज है जो अभी हम सीख रहे हैं अब ये हो गया मटेरियल एडिटर अब हमें जाना है स्क्रीन एडिटर में तो स्क्रीन एडिटर में आप देखोगे कि देखो यहाँ पे एनवायरमेंट तो ये है मैप एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पे मैप आप देख रहे हो ये वाला मैप है और यहाँ पे भी ये डिफरेंट डिफरेंट होता है लेकिन ज्यादा अच्छा आउटपुट इसी में आता है तो ये राउंड पे ही क्लिक करके रखना है ये है ब्राइटनेस तो ब्राइटनेस अगर आप पॉइंट टू थ्री भी बढ़ाते हो तो भी ज़्यादा फर्क यहाँ पे होता है तो वो हम बाद में आते हैं यह है मेप रोटेशन ये जो मेप है इसका यह रोटेशन है आप यहाँ पे देख सकते हो ये फ्रंट से है ये टॉप से है तो कितना परसेंट आप अगर कभी क्या होता है कि यहाँ पे ब्लैकनेस आती है या ऐसा कुछ होता है तो हम अभी देखेंगे तो यहाँ पे मेप रोटेट करके उसको सोल्व कर सकते हो हो सकता है कई बार ज़्यादा ही सोल हो जाए 100% परसेंट कई बार नहीं हो सकता है कई बार 80, 90% परसेंट भी होता है तो ये सब चीज़ थी यहाँ पे ठीक है ये यह मैप यहाँ पे आप मैप पे क्लिक करोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से ये ओपन हुआ है देखो यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं देखो ये जो डायलॉग बॉक्स है यहाँ पे इसमें आप देखो तरह तरह के यहाँ पे मटेरियल है ठीक है तो आप क्या कर सकते हो एक एक यहाँ पे इन्वायरमेंट को क्लिक करके आप अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो ये वो इन्वायरमेंट है जो मैट्रिक्स डिफॉल्ट जब आप मैट्रिक्स इंस्टॉल करते हो तो डिफॉल्ट ये सब आते हैं लेकिन अदरवाइज इसको आप सर्च करना चाहो तो इसमें क्या करना है राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है तो आप देखोगे यहाँ पे टाइप कौन सा है हाई डायनामिक रेंज इमेज एच डी आर ठीक है इसको एच डी आर कहते हैं तो यहां पे आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो एच डी आर ठीक है एच डी आर एनवायरमेंट ओके एच डी आर आर आई निकल देते हैं यहां पे एच डी आर एनवायरमेंट फ्री डाउनलोड तो यहां पे आपको एच डी आर आई ठीक है एच डी आर आई इसका नाम होगा पूरा आ, देखते अभी वही होगा तो एच डी आर आई यहाँ पर करना है आपको ठीक है फ्री डाउनलोड में अगर एक एक लिंक आपको इसे थोड़ा सा सर्च आपको खुद को करना पड़ेगा देखो ये यह, यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट इतनी आई है इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लिंक में अलग अलग तरह से आपको खुल ये ओपन होगा आप एक एक यूज़ करके भी देख सकते हो देखो ये सब एनवायरमेंट है ये चीज़ है इस तरह से आप ढूंढ सकते हो ओके okay? तो अभी हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे क्लासिक में ही करके करते हम रेंडर अभी के लिए ये एनवायरमेंट रखते हैं तो ये चीज़ है एनवायरमेंट ये मैप है मैप का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है रेंडर में मैप का ये वाला मैप का ये अच्छा अगर मिल जाए तो आपका रेंडर बहुत अच्छा हो सकता है और कई बार ये भी होता है कि इसमें सेट नहीं होते कहीं तो ये बिगड़ भी, भी सकता है रेंडर को अब हम आते हैं लाइट में देखो ये लाइट तो लाइट क्या है कि यहाँ पे वन है डिफॉल्ट वन है ये वाली स्टाइल में क्लासिक स्टाइल में वन है तो ये भी आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो वन पॉइंट जीरो ऐसे कम से स्टार्ट कर सकते हो और अप्लाई करते हुए आपको देखते रहना है इसलिए मैं कह रहा था कि स्टाइल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है ये सब और एडवांस टूल्स है जो मैं आ, अगर आप ये यूज़ करते हो कोई भी तो क्या होगा रेंडर आपका बहुत स्लो होगा अगर पीसी आपका अच्छा नहीं है नॉर्मल पीसी है तब तो ये आपको यूज़ करना ही नहीं चाहिए मैं मैं खुद भी इसको यूज़ नहीं करता हूँ तो ये बिना यूज़ करे भी अच्छा आउटपुट निकल जाता है तो ये सब चीज़ें थी इंट्रोडक्शन था जो मुझे बताना था अब यहाँ पे हम क्या करेंगे एक बार ये सब सेट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है स्टाइल को अप्लाई करना है कुछ इस तरह से अब मैं यहाँ पे करूँगा रेंडर ठीक है हमने क्या किया क्लासिक स्टाइल है हमारी पेज यहाँ पे डाला हमने आ, मेटल को कलर दिया यहाँ पे लेयर फिर डायमंड को दिया पेज को दिया देन स्टाइल को अप्लाई किया और यहाँ पर अब क्या करेंगे हम रेंडर करेंगे देखो यहाँ पर अब देखते हैं रेंडर करके देखो इस तरह से कुछ आ, देख रहे हो अच्छा से रेंडर हो रहा है तो ये एक चीज़ आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हो अब इसमें और इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हो ये एक बेसिक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको अब तक किसी ने यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीज़ जो मैं अभी इस वीडियो में बता रहा हूं किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने मेटल को वो सब कुछ देखो अभी यहाँ पे, पे ये ब्लैक आ रहा है उसको निकालने के लिए जैसे कि मैं एक कोशिश करता हूँ यहाँ पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 300 सौ यहाँ पर लिख रहा हूँ वन वन ज़ीरो एक सौ दस एक बार वापस से अप्लाई करते हैं वापस से रेंडर करके देखते हैं ये आपको कोशिश करती रहने ज़रूरी नहीं है कि ये मेज़रमेंट फिक्स है देखो यहाँ पर क्या है कि ये चला गया और ये थोड़ा उनसे बेटर लग रहा है तो अभी इसको भी निकलना है तो यहाँ पे मेजरमेंट 10 15 कम डाउन कम डाउन या बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो ऐसे करते करते देखते हुए अप्लाई करते हुए आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो ये एक चीज़ है कि इस तरह से आप ये मैप का रोटेशन का यूज़ कर सकते हो अपने रेंडर को इम्प्रूव करने में तो देख रहे हो ना यहाँ पे कितना अच्छे से ये रेंडर मतलब आ रहा है नॉर्मल अगर आप रेंडर करते हो उनसे ये अच्छा है तो ये एक चीज़ होगी नॉर्मल बेसिक जो भी था मैंने आपको बताया अब थोड़ा सा एडवांस में आपको बताता हूँ किस तरह से कर सकते हैं लाइक अब अगर हम इसमें मैं आपको बताऊँ लाइक देखो कि अब हम क्या करते हैं कि आप देखो ये जो ये जो मटेरियल मैंने बनाया हुआ है प्लेटीनियम व्हाइट गोल्ड आप बोलो या प्लेटीनियम बोलो दोनों एक ही है यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नीचे की तरफ ये एक चीज है यहाँ पे तो ये सब डिफ़ॉल्टी होता है यहाँ पे मैं आपको पहले बताऊँ तो काफ़ी चीजें कलर है प्रॉपर्टीज है टेक्स्टर है स्क्रीन है ट्यून है टोन है लाइट्स है लेकिन ज्यादातर जो, जो चेंज होता है वो होता है कलर्स में देखो ये जो है ना वन नाइन एट आर जी बी रेड ग्रीन और ब्लू तो यहाँ पे ये मिक्स है कलर का जिनसे ये कलर बन रहा है तो यहाँ पे रेड में है 198, 198, 198 तो वाइट के लिए ये हमेशा तीनों एक ही रहते हैं आप चाहो तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हो या फिर इसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो लेकिन ये तीनों में एक ही साइज़ आपको डालनी होती है अब मैं यहाँ पर देखो ये रोज गोल्ड यहाँ पर आप देख रहे हो रोज गोल्ड में चेंज हो गया यहाँ पर 230 से 186, 163 एटी सिक्स वन सिक्स थ्री तो ये मेज़रमेंट चेंज हुआ व्हाइट गोल्ड में तीनों में सेम रहता है रो, रोज रोज़ में येलो में ये डिफरेंट डिफरेंट रहता है तो यही चीज़ें यहाँ यही पे सिर्फ आपको चेंज करना है ठीक है ये बाकी अंदर का कुछ भी आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है जहाँ तक मुझे बताया मैं मैं जो करता हूँ यहाँ पे आप डिफरेंट करते रहोगे तब तक यहाँ पे ये यह चेंज अच्छे से होता रहेगा यहाँ पे तो इसी तरह से आपको अलग अलग सब एक्सपेरिमेंट करना है बार बार चेंज करना है एक दो पॉइंट अप डाउन करना है बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है ठीक है एक दो पॉइंट में भी यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंट होता है तो ये ऐसा नहीं करना है, है तो कर कर 2300, एक दो सौ तीस है तो दो सौ पैंतीस कर दोगे दो सौ चालीस कर दोगे दो तीन एक दो पॉइंट एक दो पॉइंट आपको जंप लगाना है तो ऐसा कर सकते हो आप कम कर सकते हो इसमें ज़्यादा कर सकते हो इसमें कम इसमें ज़्यादा इस तरह से अप डाउन अप डाउन मल्टी में आप कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको एक्सपेरिमेंट करना है वो सब एक बुक लेके आपको लिखते रहना है फिर आपको देखना है कि 10 अगर 10 बार आपने ये मेजरमेंट लिखा है उसमें से कौन सा है जिसमें मुझे अच्छा सा आउटपुट मिल रहा है तो आप इस तरह से स्टाइल अपनी खुद की बना सकते हो देखो ये हो गया रोज गोल्ड यहाँ पर हम एक बार येल्लो भी दे के देखते हैं देखो येल्लो में क्या है टू फाइव फाइव टू वन फोर वन फोर टू तो ये चीज़ भी है यहाँ पे देखो यहाँ पे येलो देख के इसका रेंडर करके देखते हैं तो इस तरह से आप गोल्ड का जो भी मैंने बेसिक है आपको बेसिक मैंने आपको बताया बेसिक आप किस तरह से कर सकते हो अब हम इसमें एक और कोशिश करते हैं डायमंड के लिए देखो डायमंड में आपको क्या करना है तो जैसे आप डायमंड में जाते हो यहाँ पे आप देखो डायमंड में रिफ्लेक्शन है यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आप देखोगे इसको बंद करते हैं थोड़ी देर रिफ्लेक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि लाइब्रेरी में जाना है ये डिफॉल्ट वाली लाइब्रेरी वीरे की लाइब्रेरी ये डिफॉल्ट मैट्रिक्स में आती है यहाँ पे हम जाएंगे जेमस्टोन में और इसको थोड़ा देखो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में यहाँ पे पूरे डायमंड्स है लेकिन इनमें से ज़्यादातर आप यूज़ नहीं कर पाओगे अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है इसमें बहुत रेयर अच्छा आउटपुट मिलेगा इसमें से मैंने कोशिश करके देखी है जैसे ये डायमंड है देखो ये ठीक है इसमें बहुत अच्छा इतना भी अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं देखो यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पे हमें सर्च करना है गूगल में डायमंड पी एन जी इमेज ठीक है यहाँ पे डायमंड पी एन जी इमेज यहाँ पे सर्च करना है तो इसमें आ, आपको चले जाना है इमेजेस में जब आप इमेजेस में जाते हो तो आपको देखो कुछ टॉप व्यू लेना है आपको ये साइड वाले कोई भी नहीं इस तरह के इस तरह के जो भी व्यू है वो आपको लेने जैसे कि ये है ये है इसमें अच्छा अच्छा हाई क्वालिटी आप ढूंढ सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से ढूंढना है देखो ये है तो इसी तरह से आपको मल्टी इस तरह से ढूंढते जाना है कुछ अच्छे ग्रिल्ड दिख रहे हो कुछ अच्छा कलर हो इसमें लाइक इस तरह से थोड़ा सा शेडिंग आ रही हो उसमें ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्च करके भी ये ढूंढ सकते हो ये आपके ऊपर है आप किस तरह से ढूंढते हो तो यही चीज़ें देखो ये ज़्यादा क्लियर है इसमें क्या करना है रेड क्लिक करके इस तरह से कर लेना है तो यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो इमेज होगी अगर नहीं है तो फिर कुछ और आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे मेरे हिसाब से होगी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है तो ओके यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरह की कुछ इमेजेस है जिसको आप ले सकते हो लाइक देखो ये वाली जो है इसको आप ले सकते हो देखो ये वाली इमेज ये वेबसाइट होती है इसमें क्लिक करते रहो आप इसमें ओपन होता जाता है इस तरह से देखो ये ये जो डायमंड है, इसको हम यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड बी ठीक है ये हो गया ये फ्री डाउनलोड थोड़ा सा टाइम लगता है इसका एक मेथड होता है इस तरह से आप ये हो जाएगा देखो ये ओपन हुआ यहाँ पे मैं क्या करना है सेव इमेज करना है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ देखो ये एक डायमंड हमने ने यहाँ पे सेव किया ठीक है अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन में हम इमेज को चेंज करते हैं यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे हमने जो इमेज ली थी इसको एड करते हैं देखो यहाँ पे यहाँ पे अब क्या करना है अपडेट करना है इस पर क्लिक करना है जब ये अपडेट हो रहा है तब आपको ध्यान रखना है कहीं और आप क्लिक ना करो या इसको पूरा प्रॉपर फिनिश होने दो जैसे अब ये हो गया है अब आप आगे काम कर सकते हो वरना हो सकता है मैट्रिक्स बंद भी हो सकता है अगर आप बीच में क्लिक करते रहो या फिर और काम करो अब यहाँ पे एक बार डायमंड को यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं रेंडर करते है यहाँ पे हो सकता है डायमंड में थोड़ा सा चेंज आए जो नॉर्मल था उनसे देखो तो यहाँ पे थोड़ी सी इफेक्ट ऐड हुई है डायमंड में तो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट डायमंड यूज कर सकते हो इस तरह से जिनसे आपका इम्प्रूव होगा डायमंड देखो इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल अभी दिख रही है जो डिफॉल्ट डायमंड था उनसे अच्छा दिख रहा है इसमें और एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं जैसे ये डायमंड मैंने ऐड किया है अब क्या करेंगे यहाँ पे कलर जो ये दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है आपको अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से आप इसको बना सकते हो लाइक कुछ कलर इस तरह से एड ऑन करके लाइक ऐसे कुछ देखो इसमें इफेक्ट हो रही है कुछ अच्छे से इस तरह से आप कर सकते हो अभी इसको अपडेट वापस से करना है और वापस से इसको अप्लाई करेंगे हो सकता है ये ज़्यादा हो गया है तो डायमंड बिगड़ भी, भी सकते हैं लेकिन मैं आपको एक तरीका दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप एड ऑन कर सकते हो देखो ये आ, इसका चेंज कलर ही चेंज हो गया तो ये यहाँ पे काम बिगड़ रहा है लेकिन होता है अच्छा भी होता है बुरा भी होता है लेकिन इसमें से आपको इस तरह से आप टेक्निक से कर सकते हो देखो ऐसे वो और दूसरा ये भी कर सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्शन में डाला था अब एक बार हम कलर में डाल के देखते हैं वही चीज़ को इसको हम कलर में डाल के फिर इसको यहाँ पर अपडेट करते हैं देन अप्लाई करते हैं और देखते क्या रेंडर इसमें चेंज आता है या नहीं देखो इस तरह से देखो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा चेंज तो दिख रहा है तो ये ये सब टेक्निक्स है जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ ज़्यादा मैं एडवांस में नहीं गया हूँ अभी एक बेसिक चीज़ आपको बता रहा हूँ इनसे आप कर सकते हो ये सब भी हो सकता है कि मुझसे नहीं हुआ वो आप भी कर सकते हो आ, हर हर एक आ, लोगों का दिमाग अलग अलग होता है अलग अलग तरीके से वो सोचते हैं तो मैं एक टेक्निक आपको दिखा रहा हूँ लेकिन हो सकता है आप आप खुद भी मेरे से आगे जा सको रेंडर में तो अपना अपना सब होता है ये सब चीज बस ये मैं टेक्निक से खड़ा हूँ कि किस तरह से करते हैं अब एक दूसरी बात ये है कि जब आप रेंडर करते हो लाइक आप देख रहे हो इस डायमंड में हमें क्या करना है जब भी रेंडर वाली कोई फाइल होती है अगर आपको अच्छे से रेंडर करना है आपके पास समय है मैं अपनी हर एक फाइल में ये चीज़ करता हूँ जैसे कि ये डायमंड वन पॉइंट वन के है जो भी साइड का डायमंड है तो मैं इसको क्या करूंगा वन पॉइंट टू के कर दूंगा देखो इस तरह से कुछ तो इनसे क्या होगा ये हमें रिपोर्ट में नहीं देना है ना ही हमें कस्टमर को बताना है सिर्फ हम ये रेंडर करने के लिए करेंगे जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप बेझिजक ये चीज़ कर सकते हो ठीक है यहाँ पे हम क्या कहते हैं देखो डायमंड यहाँ पे यहाँ पे अप्लाई करते हैं और अभी देखते हैं इनसे क्या होता है कि गोल्ड कम दिखेगा जो आ, एक होता है ना कि अच्छे से रेंडर होगा फिर आपका इम्प्रूवमेंट होगा रेंडर ये फाइल में तो ये ऐसा है थोड़ा सा फाइल में अच्छा करना पड़ता है थोड़ा ऐसे अच्छा करना पड़ता है इस तरह से आप कर सकते हो देखो ये चीज हो गई देखो इस तरह से आप रेंडर अच्छे से अच्छा अच्छा रेंडर कर सकते हो तो ये सब बेसिक चीजें थी जो आई होप कि आपको पसंद आया होगा और एडवांस में हम देखें तो और भी कुछ चीजें हैं यहाँ पे जैसे कि रेंडर में ये फोकस करना ये आ, लाइट रखना ये सब चीजें हैं हैंड में लाइब्रेरी में हैंड रेंडर करना रिंग को पहना के हैंड में वो सब चीज़ें है बहुत सारी चीज़ें है जो हम कर सकते हैं लेकिन बेसिक जो मुझे वीडियो बनाना था आ, ये वाला था आई होप आपको पसंद आ रहा है अब एक दूसरी बात देखते हैं कि मैप यहाँ पे देखो ये मैप में यहाँ पे एक बार चेंज करता हूँ ये ये वाला मैं डालता हूँ मैप डाला मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं भी करो तो चलता है स्टाइल में ये मैंने डाला और यहाँ पे अप्लाई करके वापस से यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ अब देखना ये मैप का कितना बड़ा रोल होता है फाइल में देखो कितना चेंज होगा जो भी यहाँ पे अभी था ना वो काफ़ी चेंज हो रहा है यहाँ पे देखो आप हो रहा है ना तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ सेवेंटी फाइव और यहाँ पे लाइक सिक्सटी फाइव करके अप्लाई करता हूँ और एक बार रेंडर करके देखते हैं यहाँ पे वापस से ये ब्लैकनेस इस तरह से हट सकता है देखो यह गया है यहाँ पे 75, 65 ये कुछ आ, इ, ये मेजरमेंट डायरेक्ट मैं इसलिए लगा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से मेज़रमेंट लगा है पाँच दस पंद्रह बीस पच्चीस इस तरह से करते करते ये कुछ रिज़ल्ट मुझे मिला है जैसे 75, 65, आ, 170, फ़ाइव वन सेवन जीरो एक सौ सितर दो सौ सितर एक सौ सितर उसके बाद है तीन सौ एक सौ दस इस तरह से कुछ मेजरमेंट्स है जो फिक्स मुझे मिला है जिसमें ज़्यादातर सोल्व हो ही जाता है प्रॉब्लम लेकिन हो सकता है फाइल के अकॉर्डिंग यह डिफरेंट डिफरेंट डालना पड़ सकता है तब देखो ये चेंज करने पे ये कितना इसमें डिफरेंट लुक आ रहा है तो यही सब चीज़ें हैं जो आप यूज करके कर सकते हो अब एक बात मैं आपको लास्ट बता दूँ कि ये फाइल जब आप बना लेते हो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं देखो इसको सेव करना है स्टाइल सेव एज है ये है स्टाइल सेव स्टाइल सेव का मतलब ये क्लासिक के अंदर ही सेव होगी जो भी हमने चेंज किया है सेवेज का मतलब है कि आप ये अलग से एक बनेगी जिसको आप अपना खुद का भी नाम दे सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैं न्यू स्टाइल लिख दूँ तो न्यू स्टाइल के नाम से यहाँ पे अंदर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे अंदर एड हो जाएंगी अब दूसरी बात कि एक कंप्यूटर में से दूसरे कंप्यूटर में अगर आपको ये स्टाइल लेना है जो भी आपने मेहनत किया है एक महीना दो महीना तो आप यहाँ से ले सकते हो देखो ये स्टाइल एक्सपोर्ट है जिसको डेस्कटॉप पे आप कोई भी नाम देके ये जो भी है इसका विस्टाइल स्टाइल में फॉर्मेट बनता है तो वो सेव कर सकते हो और फिर दूसरे पीसी में जाके यहाँ से ये इनपुट कर सकते हो आप ठीक है यहाँ से फाइल को ओपन कर लो तो जो भी आपके सब मटेरियल आ जाएंगे गोल्ड भी जो नया बनाया वो भी आ जाएगा डायमंड पेज ये जो भी आप चेंज कर रहे हो वो पूरा इसी स्टाइल में सेव होता है सिर्फ आपको ज़रूरत है ये फाइल को सेव करने की दूसरे पीसी में ओपन करने की तो सारा आपने मेहनत किया है सब वो पीसी में एड हो जाएगा सिर्फ आपको फिर आगे रेंडर करना है तो ये एक चीज़ है जो बेसिक चीज़ थी जो मैंने बताई आपको आई होप आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले आगे चैनल को शेयर करिए मैं मिलता हूँ किसी ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुड बाय आप अपना ख्याल रखें